अभी तक न्यूज इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आज हम आपकी बात कराने जा रहे हैं शहर के जाने माने आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रियंकर से। हम उनसे चर्चा करेंगे आयुर्वेद और पंचकर्म चिकित्सा पद्धति के बारे में और साथ ही बीमारियों के बारे में और उनके निदान के बारे में। तो आइए हम आपकी बात कराते हैं आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रियंकर से। डॉक्टर साहब, पंचकर्म चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद में प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। इस पद्धति में किस किस प्रकार से इलाज किया जाता है और किन रोगियों का इलाज किया जाता है और इसके द्वारा क्या परमानेंट बीमारी का निदान संभव है? देखिए, जो पंचकर्म है ये एक आयुर्वेद का ही पार्ट है। तो पंचकर्म को हम कोलरेट कर सकते हैं एक तरह से सर्विसिंग से। जैसे हमारे अपने वाहन होते हैं, उनकी हम नियमित रूप से एक सर्विस कराते रहते हैं 6 महीने 8 महीने में, ताकि उनका मेंटेनेंस एक प्रॉपर हो पाए, गाड़ी आपकी अच्छे तरीके से चले, उसका पुराना जो मोबिल है, कचरा है, वो सब निकाल के उसे क्लींजिंग करके नया फ्यूल डाला जाता है, क्योंकि उसकी उसे हमें लंबे टाइम तक अच्छे तरीके से चलाना है। ठीक उसी तरह से कुदरत ने हमें एक अच्छी खासी मशीनरी दी हुई है, लेकिन हम क्या करते हैं कि बाहर से तो उसको क्लींजिंग करते रहते हैं, लेकिन इंटरनली रूप से उसकी क्लींजिंग नहीं हो पाती। हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो नियमित रूप से, हार्ट है, हमारा लंग्स है, नियमित रूप से लगातार काम कर रहे हैं। तो एक निश्चित समय पर, कम से कम जो 6 महीने 8 महीने में एक बार जो स्वस्थ है उसे भी अपनी क्लींजिंग एक तरह के पंचकर्म कराते रहना चाहिए, ताकि हमारा जो एक शरीर है वो एक लंबे टाइम तक बिना रोग के चलता रहे। जो स्वस्थ है वो भी कराते रहे इसको, और यदि कोई रोगी है तो उस रोग को कवर करने के लिए उसके सबसे पहले उस टॉक्सिन्स को निकाल देना। जिस तरह से शरीर के अंदर के जो विकार उत्पन्न हो गए हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं आजकल के, कि हमारी वायुमंडल भी इसमें बहुत ख़राब हो चुका है, जल भी प्रदूषित हो चुका है, हमारा जो अन्न है वो भी बहुत सारा पेस्टिसाइड केमिकल्स वगैरह से इत्यादि से काफ़ी ज़्यादा निर्मित हो चुका है, तो लगातार हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स जा रहे हैं। ये शारीरिक रूप हो गया, लेकिन मानसिक स्तर से भी हमारे ऊपर लगातार जॉब का प्रेशर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पढ़ाई लिखाई का प्रेशर होता है, कंपटीशन का प्रेशर है, तो बहुत सारी चीज़ों को लेते हुए हम सोते हैं, जगते हैं, हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स कमज़ोर हो रहे हैं। तो ब्रेन के स्तर से, मानसिक स्तर से भी उसको एक मेंटेन करना, क्योंकि देखिए आप छोटे छोटे बच्चे भी आजकल सोसाइटी के लिए एकदम प्रवृत्त हो रहे हैं, धैर्य नाम की चीज़ नहीं बची है। तो ये आयुर्वेद का जो पार्ट है पंचकर्म, ये इन सब चीज़ों पे काम करता है। अब पंचकर्म के 5 पार्ट हैं, वमन, विरेचन, नस्य, रक्तमोक्षण और बस्ती। वमन में इस उल्टी कराना, यानी शरीर के अंदर को टॉक्सिन्स आ गया तो उल्टी कराना, लेकिन वे एक सिंपल उल्टी कराना प्रोसेस नहीं है। बॉडी के अंदर का कफ का विकार, जो हमारे आंखों के अंदर का टॉक्सिन्स है, जो हमारे लंग्स के अंदर का टॉक्सिन्स है, जो हार्ट के अंदर की स्थूलता है, जड़ता है ना, कफ विकार है, पृथ्वी महाभूत की प्रधानता है, उन सब को, उनके अंदर का जो टॉक्सिन्स है उसको निकालना। क्योंकि देखिए हमारा बॉडी 5 तत्वों से मिलकर बना है, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि। इसमें जो भी कफ प्रधानता है, जल की दुष्टि है और कफ की दुष्टि, यानी कि पृथ्वी महाभूत की थोड़ी दुष्टि, इन दोनों को मिलाकर हम जो कफ मानेंगे, तो उनको बाहर निकालने का एक प्रोसेस है, उनके टॉक्सिन्स को निकाल लेगा। इसी तरह से विरेचन है, विरेचन का मतलब ये नहीं है कि पेट को साफ कराना देना। विरेचन में आपकी हीट, आपके अंदर पसीना ज़्यादा आना, आपके अंदर का एक तरह की उष्णता बने रहना, एक ज्वर विकार है ना, उस तरह की भी चीज़ें, आपको हाइपरटेंशन रहता है, बीपी बढ़ा रहता है, तो ऐसी कंडीशन में विरेचन के द्वारा है ना कुछ खास तरह की औषधि दी जाती है और 7 दिन के लिए बॉडी को तैयार किया जाता है, जिस तैयार करने के बाद ही औषधि दी जाती है और अंदर के पित्त को बाहर निकाल दिया जाता है। इसी तरह रक्तमोक्षण है, क्योंकि हमारे ब्लड का ही सारा पूरा पूरे शरीर में संचार होता है, तो रक्त के अंदर बहुत सारी दुष्टियाँ हो जाना, वात की हो, पित्त की हो, कफ की, तो अलग अलग प्रोसेस से उसको ठीक किया जाता है। उसमें कपिंग थेरेपी भी आती है, श्रृंग, जलौका और अलाबू, इस तरह से प्रोसेस होता है। जलौका में लीच थेरेपी आजकल काफ़ी देखने को मिलती है, तो वो सब जो है रक्तमोक्षण के थ्रू होता है। इस तरह से फिर नस्य के बारे में मैंने बताया कि नस्य में होता है नासा ही द्वारा, नाक का जो रास्ता है वो सिर से निकल के जाता है, ठीक है, नाक का ही पैसेज पूरे ब्रेन तक जाते हैं। तो पहले भी आपने सुना होगा कि भाई मूर्छा हो जाती थी, तो भाई कुछ सुंघा दिया और ब्रेन को हो गया, और उसकी स्मेल से, उनकी औषधियों से ही ब्रेन को बहुत सारे न्यूट्रिशन मिल जाते थे। तो अलग अलग चीज़ें हैं, एपिलेप्सी है, या फिर आपके माइग्रेन है, या खालित्य है, बालों का झड़ना वगैरह है, इस तरह की बहुत सारी जो कंडीशंस हैं उसमें नस्य का बहुत बड़ा अच्छा रोल होता है, या फिर पीनस होता है, नाकों में लगातार एक पानी की तरह बहता रहता है, नजर होता है, तो वो नस्य में आ गया। फिर बस्ती कर्म, बस्ती का मेन रोल है वायु विकार, क्योंकि सबसे ज़्यादा वायु विकार हैं, जोड़ों के दर्द है, या फिर आंखें, पूरी आंखों का जो मूवमेंट है अगर वो खुला रह जाए, ठीक से मूवमेंट ना हो, तो वो भी वात आ जाए,
ठीक है, या फिर आपकी जीभ तुतलाना है, या बहुत सारी चीज़ें बोल नहीं पाते, वो वायु विकार है। तो इस समय मैक्सिमम जो चल रही है, क्योंकि हम ना तो स्नेह कर पाते, जैसे हम पहले देखते थे लोग मालिश वगैरह करते रहते थे, हम लोग मालिश वगैरह नहीं करते हैं आजकल जनरली। तो क्या है कि ये वायु विकार को कवर करने के लिए गुद मार्ग से कुछ औषधियों का दिया जाता है, उसमें भी निरु अनुवासन और जो है उत्तर बस्ती वगैरह का रहता है उसमें। अब उत्तर बस्ती के बारे में है, उत्तर बस्ती है कि महिलाओं को योनि मार्ग से दी जाती है, उसमें जैसे कि सिस्ट है, किसी तरह की फाइब्रॉइड है गर्भाशय से रिलेटेड, या फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, तो ये सब बस्ती कर्म के अंदर रह जाता है, उत्तर बस्ती कहलाती है। ऐसे ही मेल के लिए है, वो भी पेनिस में दिया जाता है, और उसमें अगर शुक्राणु की अच्छी संख्या नहीं उत्पन्न हो पा रही है, या फिर इरेक्शन की प्रॉब्लम है, तो उसमें भी उत्तर बस्ती का बड़ा अच्छा रोल है। तो इस तरह से ये पंचकर्म होता है, ये मिली करके इसका सारे है। शूलधारा का भी रोल है, जैसे कि माइग्रेन वगैरह में आजकल काफ़ी सुनने में आता है कि भाई बहुत सारी चीज़ें नींद नहीं आती, बहुत स्ट्रेस रहता है, तो शूलधारा का बहुत प्रचलन हो चुका है इसमें भी। देखिये, ऐसा है कि शूलधारा का जो एक कल्पना पूरी ली गई है, वो पूरी थीम ली गई है शिवलिंग के ऊपर जो अभिषेक किया जाता है, तो एक कंटिन्यूस कुछ सिद्ध औषधियों के द्वारा, इसमें दूध से भी किया जाता है, तक्र से यानी मट्टे से भी किया जाता है, या फिर जो ब्राह्मी शंखपुष्पी जटामानसी इत्यादि जो ऑयल्स होते हैं उनका, हर पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि भी किस प्रकृति का है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको तेल का चयन करके वो लगातार सिर पर डाला जाता है, यानी मस्तिष्क पर जब डाला जाता है तो कंटिन्यूस इस तरह से 45 मिनट तक प्रोसेस रहता है, और इसको करने से पहले पेशेंट को बहुत रिलैक्स कर दिया जाता है, रिलैक्स करने के बाद ये चीज़ की जाती है। अब इसका इफेक्ट क्या होता है मिली करके, ब्रेन के अंदर के जो न्यूरॉन्स हैं वो लगातार चिंतन करना, वायु विकार बढ़ जाना, बाइक से बहुत ट्रैवल करना, इत्यादि बहुत सारी जो चीज़ें हैं है ना लगातार, तो एक हमारे जो ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं वो कमज़ोर पड़ते जाते हैं, उनकी क्षति होती जाती है। इन क्षति को पूरा करने के लिए, इस वायु विकार को पूरा करने के लिए, या फिर माइग्रेन के में पित्त की और वात की काफ़ी प्रधानता हो जाती है कि नसों में कुलन हो रही है, बहुत शार्प तेज, बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो खास तरह के ऑयल्स का चयन करके जब ये किया जाता है तो उन न्यूरॉन्स को एक स्ट्रेंथ मिलती है, रीजनरेट होते हैं वो न्यूरॉन्स, और उसके बाद वो जो आपकी जो मेन समस्या है वो पूर्णतः ठीक होती है। ये नहीं कि भाई टैबलेट दे दी और थोड़ी देर के लिए वो शांति मिल गई, बहुत लोग परेशान रहते हैं, लेकिन एक शूलधारा बहुत अच्छा विकल्प है, और जो परेशान है उनके अलावा जो जीवन को जी रहे हैं, ठीक ठाक जी रहे हैं, लेकिन अपनी चीज़ को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी मेमोरी को इन्हेंस करना चाहते हैं ना, अपने बहुत सारी चीज़ों को, विवेक बहुत कम है उनके अंदर, ये सब चीज़ें, तो वो सब चीज़ों को लेके एक इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में काम करता है। मरीज का एकदम वेट बढ़ जाना, उससे उसके ऑर्गन पैदा होती है, यही इफेक्ट करते हैं बच्चों के ऊपर भी, उससे उनकी हाइट कम रह जाती है, शारीरिक संरचना बिगड़ने लगती है। इसका उपचार किस प्रकार किया जाता है, क्या संभव है कि वजन व्यक्ति कम कर सकता है, या फिर थायराइड से स्थायी तौर पर निदान प्राप्त किया जा सकता है? देखिए, थायराइड को लेकर लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, लोग सोचते हैं कि भाई थायराइड की वजह से हमारा वजन बढ़ रहा है, तो हम सिम्टम्स पे जाते हैं लोग अक्सर, भाई वजन कम करने के टेबलेट्स खा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन हमें ये समझना चाहिए थायराइड आखिर स्टार्ट कहाँ से हो रही है। देखिए, सारी जो चीज़ें हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड से निर्धारित हो रही हैं, क्योंकि जो भी अगर हम कई बार देखते हैं कि TSH लेवल बढ़ा हुआ है ना, तो TSH जो लेवल बढ़ा हुआ है वो हमारा जो ग्लैंड है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है, हमने सुना भी है कि मास्टर ग्लैंड होती है, और वही सब कुछ इंडिकेट करती है, वही इंडिकेट करती है थायराइड को, और वहीं से T4 या हारमोन्स वहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। तो क्या है कि सबसे मेन जो चीज़ है वो थायराइड के जो केस आ रहे हैं वो मिली करके कि मन का स्थिर ना हो पाना, हमेशा व्याकुल रहना, हमेशा बहुत फास्ट ये सब चलना, तो इस तरह से वो जो चीज़ें हैं कि मन को संतुलित करना सबसे इम्पोर्टेंट है, उसमें एक शूलधारा का बहुत अच्छा रोल है, पहली बात। तो दूसरी बात ये आती है कि अब वो कंडीशंस नहीं आती जैसे पहले थायराइड में आते थे, वो गोइटर निकल आता था कि भाई हाइपोथायराइडिज्म का गोइटर निकल आता था, वो चीज़ें नहीं मिल रही। अब इसमें एक मेन चीज़ आ रही है कि डाइट की बहुत सारी है, क्योंकि आजकल आयोडीन नमक का बहुत प्रचलन हो चुका, लेकिन जितनी माइक्रोग्राम की हमें आवश्यकता है उसमें नेचुरल रूप में, वो हमारा सफिशियंट हमारे जो सब्जियां हैं उन सब में उपलब्ध है, सेंधा नमक में उपलब्ध है,
तो हमें एक्स्ट्रा जो आयोडीन युक्त नमक का बहुत प्रचार चल रहा है उस सबसे हमें बचना चाहिए, क्योंकि एक्सेस मात्रा भी ये थायराइड के कंडीशन कराती है। फिर अगली जो बात आती है कि मोस्टली आप ये देखेंगे 80% 85% ये लेडीजों में पाया जाता है, जेंट्स में कम पाया जाता है। तो उसमें जो मेन फैक्टर आता है वो हार्मोन लेवल पर आता है, क्योंकि आजकल महिलाएं क्या है कि बहुत सारी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खा रही हैं। जो हमारे बड़े बूढ़े बताते थे कि भाई ये पीरियड का जो टाइम होता है उस समय कम से कम आप सिर से स्नान ना करें, ठीक है, या फिर बहुत सारी चीज़ें और की बहुत जो अननेसेसरी काम है कि आपको खेलना कूदना है ये सब चीज़ें वो नहीं करनी है, क्योंकि कुदरत ने पुरुष को अलग बनाया है, स्त्री को अलग बनाया है, ठीक है। तो हमें कुदरत के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए।